साइडों में, ये साइड में ना मैं इधर कर नहीं, यहां पे आइए, रुक जा रुक जा, यहां पे आ जाओ, अपन टर्न हो जाते हैं, बस 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 दोनों में से एक कर लो, बोलो बजट तो बोलो भाई, मैं साइड में पीछे विजुअल तो होने दो, एक मिनट आईडी दे रहे हैं, एक मिनट एक मिनट आईडी दे रहे हैं क्या भाई, एक मिनट एक मिनट, वेट वेट भाई, विजुअल होने दो एक मिनट का, बाद में देखते हैं, कुछ चाहिए बाद में, आप आ जाओ पहले, वो ना मतलब सुनो बाद में, हां हां है कौन करे, थैंक यू साथ में आ जाओ,
कल पीछे चलो बाइक करते हैं आगे आगे अरे उधर ही कर हाँ उधर उधर अरे नहीं इधर ही कर ले भाई हमारे इधर ही कर ले अंदर बाहर वो हम दो इधर ही कर ले इधर ही कर ले देखिए इट वॉज ऑन माई माइंड सिंस क्वाइट अ फ्यू ईयर्स कि मुझे एक ऐसा डेयर डेविल रियलिटी शो करना है और क्योंकि इंडिया में खतरों की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही इमेंसली बड़ी और अमेजिंग है तो और जब फियर फैक्टर की बात आती है या खतरों से लड़ने की बात आती है तो एक ही शो दिमाग में आता है वो है खतरों के खिलाड़ी और इस बार जो सीज़न 13 होने वाला है वो और भी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें मैं हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे ज़्यादा डर मुझे हर चीज़ से डर लगता है चाहे वो ऊँचाई हो हाइट हो चाहे वो पानी हो चाहे वो रेप्टाइल्स हो स्नेक्स हो या यू नो लिजर्ड्स हो कॉकरोचेस होते हैं तो चूहों से इतना डर नहीं लगता लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है और ये बिल्कुल मत पूछना कि मैंने क्या तैयारी की है मैंने कुछ तैयारी नहीं की है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ जाके क्या करने वाली हूँ बट हाँ बहुत चीज़ों से डर लगता है तो अपने फियर को ओवरकम करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर मंच यू नो खतरों से खेलने का और कोई नहीं हो सकता तो इसलिए इस साल खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 में दुआ कीजिए कि मैं आगे तक पहुंच जाऊं। जर्नी से पहले आप सबसे अमेजिंग प्लेस में आए हो इस जगह के बारे में कुछ अगर आपने किस तरह की दुआ की तो हमेशा जो भी नया प्रोजेक्ट मिलता है या कुछ मिलता है तो इससे पहले भी मैं यहाँ पर आई हूँ हज़रत मखदूम शाह बाबा के दरबार में और खुदा से तो दुआएं हम मांगते ही रहते हैं लेकिन एक अर्ज़ी मैंने सोचा कि बाबा से भी लगा लूँ कि प्लीज़ आप मेरी सिफारिश कर दीजिए खुदा से तो शायद वो मेरी अर्ज़ी सुनेंगे और मेरी दुआ कबूल हो जाएगी दुआ यही है कि मैं खतरों के खिलाड़ी जीतूं अगर नहीं जीत रही हूं फिर भी थोड़ा टॉप 3 में तो भी आऊं लाइक यू नो ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में एक छोटा सा ट्रिविया देना चाहूँगी कि अगर आप बाहर नाम देखेंगे हज़रत मखदूम शाह बाबा के आगे फ़कीर लिखा हुआ है जो मेरा भी सरनेम है तो मैं ऐसे समझती हूँ कि आई एम हिज डायरेक्ट डिसेंडेंट और इसलिए बुलावा हमेशा यहीं से आता है तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके पुरानी यादें ताज़ा हो गई मम्मी ने भी कहा था कि मेरा सलाम पहुँचाना तो वही दुआ में मैंने उनको बोला है कि मम्मी ने सलाम भेजा है और बच्चों के लिए मम्मी ने कहा है कि हमारे बच्चों जो तीनों मेरी जो बहनें हैं उनके लिए भी दुआ मांगना तो खतरों के साथ साथ मैंने अपनी पर्सनल दुआएं भी मांगी हैं और असलम जी ने हमें बहुत हेल्प की है थैंक यू सो मच।